सुपर हेल्दी एंड यम्मी पालक पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में लेंगे थोड़ा सा पानी, उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल एंड नमक और पास्ता को बॉईल कर लेंगे। मैंने यहाँ पे होल व्हीट पास्ता लिया है, आप कोई और पास्ता भी ले सकते हो। और जब तक ये पास्ता बॉईल होता है तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और पास्ता बॉईल होने के बाद ना इसको स्ट्रेन करके हम इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे और फिर उसी पैन में थोड़ा सा और पानी लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे पालक और थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। इसके ना दो फायदे होते हैं, एक तो पालक का कलर बहुत अच्छा आता है, दूसरा उसका जो रॉ टेस्ट होता है ना वो भी चला जाता है। और जैसे ही पालक बॉईल हो जाए ना इसको ठंडे पानी में भिगो देंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। अब पैन में लेंगे थोड़ा सा ऑयल, उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स एंड लहसुन और इसको 10-15 सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे। लहसुन और चिली फ्लेक्स का टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। और इसमें फिर ऐड कर देंगे सब्जियाँ, लकीली मेरे पास मशरूम एंड ब्रोकली थी, आप चाहो तो घर में जो भी सब्जी है गाजर बीन्स वो भी ऐड कर सकते हो। और इसी के साथ मैंने ऐड किया था प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर और फिर इसमें थोड़ी सी इटालियन सीजनिंग जैसे ओरिगैनो, पार्सली, नमक थोड़ा सा ऐड करके इसको अच्छे से सौते कर लिया था। ओवर कुक नहीं करना है आपको, थोड़ा क्रंच रहने देना है सब्जियों में। अब उसी पैन में थोड़ा सा और ऑयल लेके इसमें ऐड किया मैंने लहसुन और चिली फ्लेक्स अगेन और फिर इसमें ऐड कर दिया जो पालक का हमने पेस्ट बनाया था ना, वो देख लो बॉईल करने से कितना अच्छा कलर आता है पालक का। एंड फिर इसको नमक ऐड करके ना सिर्फ 2 मिनट के लिए कुक कर लिया। नमक आप थोड़ा ही ऐड करना क्योंकि हमने पास्ता में और वेजिटेबल्स में ऑलरेडी नमक ऐड किया है। और फिर इसमें मैंने थोड़ी सी और इटालियन सीजनिंग जैसे पार्सली और ओरिगैनो ऐड कर दिया। और क्योंकि हमने पालक को ऑलरेडी बॉईल किया था तो इसको ज़्यादा देर कुक करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़ी सी फ्रेश क्रीम ऐड कर दीजिए और सॉल्टेड वेजिटेबल, बॉइल्ड पास्ता ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और फिर मैंने ना यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ ऐड की है, अब पास्ता है तो चीज़ बिना ना मन नहीं मानता है, अदरवाइज़ आप अवॉइड कर सकते हो। एंड ऊपर से थोड़े से और चिली फ्लेक्स एंड ओरिगैनो स्प्रिंकल करके ना 2 मिनट के लिए इसको ढक के रख दिया और हमारा टेस्टी यम्मी पालक पास्ता रेडी है। बहुत ही यम्मी लगता है और आप इसको बच्चों को भी दे सकते हो, हेल्दी है, पालक भी खाना हो जाएगा। सो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा और अगर आपको भी अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर इट विद योर लव्ड वंस एंड कमेंट्स में बताना कि ये रेसिपी कैसी लगी और ये भी बताना कि नेक्स्ट रेसिपी कौन सी शेयर करूँ मैं आप सबके साथ। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।